चूना लाल हाँ खोला न के बारी आबा बाबू गोर लगे चिया हट कर है पापा जी प्रणाम है है हट करो अरे रे की देख रहा हूँ अरे की देख रहा हूँ वहाँ बाबू हम लव मैरिज कर लिया विवाह लव मैरिज तू कर ली हाँ हाँ ककरा से पूछा ली रे ककरा से पूछा ली अच्छा लव मैरिज करे में ककरो से पूछल जाए है अरे हमरा हिनका दिल मिल रहा है दोनों गड़ा के आ दिल मिलला के बाद सोचे डायरेक्ट शादी कर लिए देखिए उसका पुतना रहा के आय ये बिना बाप से पूछा ली केना कदम आगे बढ़ा दल के आय रे ये तू कन को पूछा ली बाप से ये तू ही लम्मा इला किधर कहाँ तू उठा के लोए लाए मोगी के ये आय आ तू जब भी आके न चला तो हमरा तो पूछने चला फिर आय ने हम जब बिया कर कर लिए तो सब पूछती आओ आय तब तो तू धरती पे यार रही आय रे नहीं गलती कहा गया रे रे उनका हम की जवाब दे भाई वो हमार दोस्त चले बेचारा हरियरपुर वाला जखने तू जन्म लेली तखन ते बेचारा वो वचन हमरा दो दल के कि ढोरहाय बाबू अहां जे हमरा ई बेटा दो दिया आ हम अहां के जे बेटी दो दे छी तखन ते बेचारा वो छुरंग दल के आ 5 लाख रुपया प्लेट भान दो दल के के बेटा के मोच के पमी जब रहत तब तक हम 5 लाख रुपया दे रहा छी आ जब पूरा मोच आब जेते तब 5 लाख रुपया हम फेर दे हमरा से बिन पूछल आ ई बात विचारते रहिए कि तो तेसरा नाटक खड़ा कर देली रे तेसरा नाटक कौन मौकी छोड़ी के उठा के ले हन एतना से भागा नहीं तो घर में ढूके दो उतना हम कोनो मोगी छड़ी ने कान अब तो हर पुतौ है कान देख के गोर नागे है कान चम चम कर मुंह कान करे है कान ई केहन का हम मोगी के उड़ही ढेरी के हम अपन पुतौ मान लेबे घर के आय किन्नो ने मान सके छे एकदम खबरदार बाबू एको बार उड़ी ढेरी कहला तो आय हमरा से पूरा कोठी देर कहन दहेज में बता ना कोठी देर कहूंगे आय देखे चाहत में सारी के कपड़ा हमर कपड़ा है बुझला हाँ आई में देखा आई में कानी दो दल के तोरा मिठाई सब दल के बस भ गई यहाँ पर तो भूल गया रे सारी अथी पर मिठाई पर आई अब कथी लेबे तो हम एकरा नहीं रख सके छियौ आई हम अपना दोस्त के जवान दो दे छियै उ 10 लाख रुपया दे रहलै हन बुझलही कि नहीं बुझलही अपना मन से काज नहीं कैल कर तू अपन जवान तू अपने लग रखा संभाल के कहे हमरा जाए अंदर चलू बता भगला रे बता भगला घर हमर है आ जोर रह तो तोहर अरे बाबू बेजा बात बजे तो खोल दे घर के किन्नौ ने खुलतो ए तो पर घर कच्चे हम दिल में अरमान रखने रही जब बेटा के जे राज मज का धूमधाम से बियाह करती सत्यनारायण भगवान के पूजा करवाती डीजे बाजा से बजवाती असे सोख में सोहारिया केला के तरकारी कोन रे निर्लज्जा बेलज्जा हाय एकर की औकात है जबरा घर के पुतौ बनत रे ए बाबू एमे औकात के की देखे कन हाय अरे हम दो दुनु गरा एक दोसर से प्यार मोहब्बत के लिए दिल में दिल मिल गेले आ उहे दिल में दिल मिलला के बाद दिया बार दिए बस भ गेले बिया कौन लिए साथ बिया बाय दिल ही हाँ एक कौन बिया को ले ला रहे कौन बिया लव मैरिज कितने बार कहा है चिया तू सुन रहे छा लव मैरिज की होई है ये लव मैरिज की होई रे आज तक तो हम बाप जन में अचीर के नहीं देखा लिया अना कई लोग क्या लगाई आई ए अच्छा नहीं तू बुझे चल तो सुन ले बिन बाजा बाराती के धुमबा मच गेलई हो अरे बिन बाजा बाराती के धुमबा मच गेलई हो अलब मैरिज के लिए तोहर पैसा बच गे हो अलब मैरिज के लिए तोहर पैसा बच गेलई हो रे शर्मा कही के
गवा समाज के जे भोज खेलियन भात खेलियन तकरा तू देबी कि नहीं देबी ए चुप कैसे दुल्ली से तू ए मौगी के उठा कर लो एलियन रे चलो का बिया आए चलो का बिया रे बाबू अब तो तू तू यहां समझ नहीं नहीं हम एकरा किन्नो ने घर में रखबाई ए अगर जे गांव समाज के तू जना के जे बियाह करबई तो हक हमर तोय में एक साँझ गवा के तो भोज खियाबे पड़त हां अब बराती हो गवा के लइए जाय पड़त तो नहीं हो नहीं हो तो 20 गो बोलेरो स्कॉर्पियो करिए पड़त गाड़ी हां करे पड़त कि नहीं हां हां अब तो 2000 के तू जोड़ रहा के एगो गाड़ी पर हां हां बता 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 तो 20 गो गाड़ी के केते भेले तू यहां जोड़त अरे कतना भ जायतै लेकिन पूरा इलाके में डंका बजा के तोर बियाह करती हो ताकि लोग जनते बिना मतलब ये जे गुम गुम या चुप चुप वाला जे बियाह को ले रहा हां से कोठी करे हां चुपके बढ़िया है कनो बिना मतलब के खर्चा कथि ले करवा से जे पैसा बचते ओकरा लग से सब नहीं चले वाला हो ए यहां से रास्ता नाप लिया नहीं तो हम किनो ने घर में टपे दे ई हमर घर हमर चुपचाप रह तब से सुन रही तो बकवास किए जा रहा है देखियो देखियो रे देखी रे अखने से बहुत और गाल बजा रहा लगवान तू क्या करो तब से खड़ी होकर सुन रहे तो बस सुनाते जा रहे मैं पुरानी जवानी की औरत नहीं हूँ जो कैसे घूंघट डाल के तुम्हारी बात सुनती रहूँ ठीक है ना बाप रे बाप मैं नई जवानी की हूँ ये क्या सुन रहा लिया रे दाई बा आई एक समय चला जब पुताऊ सब जे है ससुर के जे दूर दूर ससुर से दूर रह रहे चले ऐसे घूंघट डाल के आपकी बात सुनती रहूँ जवान चला ले आजकल के पुताऊ चलाऊंगी अब तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी मैं तुम्हारे ताल से ताल मिलाऊंगी चुप नहीं बैठूंगी कोठी पर बज रहे ये कोठी पर दुबले के भीख मांगा क्या बेटी चुप रही है आप ज्यादा बोले तो कहते थे अच्छा नहीं होगा ये कोठी पर गलबा बजे बैगे भीख मांगा के बेटी लव मैरिज की हुई इसलिए ए भीख मांगा के बेटी ने कहा गए हे रे को बोले तो की रे तमसा की दल का बाजना रे की दल का हैं तम ए छिपा न डल कहू कटोरा बागे भिखा मांगा के बेटी क्या भिखारी आप हो कि देंगे हमला करने नहर से यार देख लिया बात आगा बढ़ जा आप बढ़ा रहे हो आगा आ कोठी पर गलबा बजे बैगे भिखा मांगा के बेटी आ कोठी पर गलबा बजे बैगे भिखा मांगा के बेटी अपने पति पे ला ना दल कौ चटैया आगे भिखा मांगा के बेटी आ कोठी पर गुमा न करबागे जे कलर बा के बेटी देखिए देखिए पर गुमा न करबागे जे कलर बा के बेटी बाबू बाबू जे भोगले से भोगले बिचार जा बात रे कहबो रे एक भिखारी तो आप हो जो मुझसे उम्मीद लगाकर बैठे हो कि मैं सामान लेकर आऊंगी लेकिन आप ऐसे ठीक होने वाले नहीं हो तुम्हारे पापा बुढ़ा ऐसा क्या गया है ऐसे नहीं ठीक होगा ये मुझे मेरी मम्मी को फोन करने दो मेरी मम्मी को फोन कर देना बुझा कर तुम्हारे पापा कर एक बार फोन कर तेरा घर के जैसी भी से उठा देते ना बुढ़े क्या समझते हो तुम क्या समझते हो अरे बाप अगर मेरी मम्मी आएगी ना तो कह देती हूँ तुम्हारा दांत झाड़ के कटोरी में देकर दे देगी हाथ में गिनने के लिए समझ लो गोली से उड़ा देते हमरा मुंह लगवा जा तू बाबू रे चुप रे कुकाला कहीं के आई हरियरपुर वाला जे हम दोस्त के की जवाब दे भाई बाप रे बाप जे बेचारा पहले से ही 5,00,000 रुपया हमरा दोने रहे रुको तुम ज्यादा नहीं बोला दे हां के बेटा के बियाह हमरे बेटी से करो पर सुन रहे तो बर्दाश्त कर रहे तो बस चढ़े जा रहा है अभी बुलाती अपनी मम्मी को ए बजाओ नहीं हम बोल रहे छी हेलो मम्मी हां बेटा कैसे हो पहुंच गई बेटी मम्मी पहुंच तो गई हूँ लेकिन एक बुढ़ा जो है ना तुम्हारे दामाद का बाप अंदर घर के अंदर अरे बेटी किसके मजाल है जो तुमको बात करने का दो तो उसको फोन ओए बुढ़ा ले बात कर मेरी मम्मी से हमने क्यों से डोरा छीका हाँ बजिए नमस्ते अंकल जी फिर अंकल जी नहीं कहू बुझली की नहीं बुझली तरीका ठीक है अंकल जी सुनिए मेरी बेटी का आप ससुर लगेंगे ना तो समझिए जो आप तो कितने मेरे से बड़े होंगे ना इसलिए तो मेरा अंकल जी है ना रे बुझी बुझी आई समझी क्या कह रहा है अंकल आई कथी ला तू हो सौ शेयर बात कहते हमरा
बेटी के नहीं है माँ के नहीं है। हमारा घर के रिश्तेदार नहीं बैठे। हेलो मान कैसे हैं? हाँ मम्मी जी ठीक है ठीक है। कोनो कोनो तरह का बात नहीं हुआ है मम्मी जी। हेलो मम्मी। हाँ क्या हुआ बेटा? एक काम करो तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। दे, 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 क्या बात क्या हुआ? मेरे ससुर जो है बुढ़ा सा किया गया है, मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा अंकल जी का ये बात क्या? जल्दी रख रहे मम्मी तुम जल्दी क्या बुढ़ा बुढ़ा कर दो हमरा पापा सो को भी ले दोनों पापा के लकड़ा है साथ में। ठीक है देखना बुढ़ा तेरा क्या हाल करेगी। मेरी मम्मी देख लेना तुम, फिर ये मत कहना कि मैंने कहा नहीं था। ठीक है ससुर लगत होगा। अरे बाहर में जाए ससुर, कैसा ससुर? बाप रे दैबा हो दैबा। रे कुकाला तू कहां से जान के जपल उठा के लइला रे? ससुर के ने पहचान रहले हैं हम की छी? कम से कम तू हो तो बात हो। मुझे बहु मानता तो मैं भी तुम्हें अपनी पापा जैसे मानती है, लेकिन तुमने मुझे क्या किया? अंदर जाने नहीं दिया। रे क्या क्या ना जाने भिख मंगा के बेटी। मैं क्या भिख मंगा के बेटी हूँ? भिख मंगा के बेटी हो? अरे हटो भोगदानू। क्या है हा? क्या हुआ बेटी? मम्मी देखिए यही वो बुढ़ा है। अंकल जी नमस्कार। अंकल जी नहीं सारू भाई, अंकल जी को नमस्कार कीजिए। बोल रहा है कन्या के मैं को बजाया है। आप कौन गांव घर के आदमी उठ के चला आया बीच में? आपको मैंने बुलाया था आपको बाबू ये ने सुना की बोले की बोले? ये दोनों कोनो गांव घर के आदमी नहीं है। कौन क्या है? ये दोनों हमर ससुर भेले और साउस भेले। अरे बाप, अरे तोरा साउस के दू गो से हां? हां बाबू एगो बड़का ससुर है एगो छोटका ससुर है। कौन? अरे बाप है। हां अंकल जी ई त जे सचमुच में जे हमर समधीनी खेलाइर होतै। सचमुच में खेलाइर होतै। आई देखा देखा अंकल जी है? मेरे दामाद ने ये बात तो सही कहा, लेकिन एक बात मेरे बात समझिए, जो काहे ये घर के बाहर आंगन के बाहर में आप बात कर रहे हैं? जब आपको नए नए बहू आए तो उसको परच कर घर ले जाना चाहिए। खबरदार, परेशानी के बात आप नहीं कर सकते हैं। मैं हर किस नहीं परच करके जो है इस आपके बेटी को अंदर ले जाऊंगा। मम्मी आप काहे इतना गुस्सा करते हैं? हा? अरे हमारे दोनों सारू का आप स्वागत पापा कीजिए। पापा इसको अच्छे से समझाइए, अगर ये नहीं समझेंगे तो मैं इसका दांत तोड़ दूंगी। चुपचाप रहो, चुपचाप रहिए, खोल दीजिए, आए बांध दीजिए। सुनिए बेटी पहले चलिए अंदर चलिए। अंदर जाकर मैं के दूध का सेहा रहेगा तो अगर बेटी बेकार रहबे करेगा। उसके बाद फिर हम रुक रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? अपने माने क्या घर में ढूक गए? अपने घर में आए हैं, अपने पति के घर में आए हैं, तुम्हारे बाप के घर में नहीं आए हैं। अच्छा अरे बो के चतरा की चतरा चतरा की चतरा बाबू चोरा तो मना करे छे कचा नै मुंह लगाबा हमरा के झूठो कदला बाहर में खड़ा करे चलत। अब सब चले ले ना, हमर दुगो ससुर चले ले सौस से चले ले, अब की सोचते? अरे बेटी तुम शांत रहो, मैं अच्छी तरह से तेरे ससुर को मैं समझा देती हूँ। ठीक है समझा दो तुम। हाँ। तो अगर नहीं समझे तो मुझे समझाना अच्छी तरह आता है। बेटा तुमको तो पता है जो तुम्हारे दूदू को पापा को मेरा साइन करना तो अच्छे से हुआ। कैसन कैसन को तो हम ठीक कर दिए। आ ये कौन खेत का मूली है बेटी? उसको तो चुटकी बजा करके तुरंत तुम्हारे ससुर को मैं कब्जा में ले आऊंगी। ठीक है जल्दी कीजिए अंकल जी। की करू कीने से नहीं जाएंगे। आई ई तो हमरा जे जबरदस्ती माथा पर आकर दया फल खराब हो गेला। की हम सपना देखने रही? अगर हमरा दोस्त के पता लग जाते तो 5 लाख रुपया मांगे ला चल लेते वापस। अंकल जी क्यों इतना तमसा रहे हैं? देखिए हम को अंकल जी नहीं कहिए। देखिए आपसे मैं उम्र में बहुत छोटी हूँ और मेरी उम्र से आपको कई गुना ज्यादा है। और देखिए मेरा ये जो है प्यारा पहले का ये दूल्हा है, तो इससे जब शादी हुआ ना तो 6 साल तक मैं इंतजार देखते रह गए। हाँ। तो मेरा जो है सो बच्चा नहीं हुआ। ठीक है
हाँ। तो फिर लास्ट में मैं इससे शादी किए। हाँ, इसीलिए हाँ। दुगो पति किया आपने? हाँ, तब जा करके ये मेरे बेटिया हुआ। आ किस दिन हुआ आपको पता है? किस दिन हुआ? देवउठान को दिन हुआ यही बेटिया। तो देवउठान दिन हुआ ना? हाँ। त्या दुआरे देने खेला रहा थी, देने खेला रहा के बेटी है। हेन भागे संस्कार में है कहीं को। हेन भागे तो पड़े सोच के। देखिए। ऐ चुपचाप रहिए। क्या चुपचाप चुपचाप रहिए? सीधे छोटी धर लेंगे हम सब जी। हमारे सारू भाई कुछ नहीं कहे। सारू भाई धर लेंगे। देखिए सारू भाई मेरा कटा है, अगर दांत काट ले तो आपको बिख लग जाएगा। बाबू कथी ले तू दांत कटवाबे पर लागल छ। की कहै छ की कहै छ? सुहार के मन से मान जा बात के सॉल्व कर लाए के। अरे हमरा तो चिंता लग है कि 5 लाख रुपया जो पहले उठा लेन छियै से आदमी किया मांगे लन चल आवे वापस। हम कहां से देबे पूरा का पैसा? रे कहां से देबे? हम घर घर के का? एक्सक्यूज मी, थोड़ा एक मिनट, थोड़ी सी मेरे बात समझिए। उसको आदमी की गाड़ी पारला कर रे? नहीं बाबू नहीं, गैर नहीं दल का। अच्छा इंग्लिश में कल का एक्सक्यूज मी। सुनिए सुनिए, मतलब थोड़ा इधर आइए। हां अंकल जी एक्सक्यूज मी। जा 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 बुझा। क्या देख रहे हो? हां हमरा बाबू के आ के मैं क्या लगे ले अंदर? मेरी मम्मी तुम्हारे पापा को सुछे हो, पापा को क्यों ले गए? अब देखना कि क्या होता है अंदर। ठीक है, जब तुम्हारे पापा बाहर आएंगे ना तब खुद पे खुद पता चल जाएगा कि क्या हुआ है अंदर। देखो तब तक बैठो, लाओ मेरा बैग। लेमान आहा पापा जी कहिए ना क्या कहते हैं। बोले हमको तो घबराहट हो रही है। देखते हैं क्या नाटक हो रहा है। क्या जी? हाँ क्या कीजिएगा? कहिए ना। हाँ। पापा का घबराना जायज है, मेरी मम्मी ऐसी है ना कि दोनों पापा को शांत करके रखती है। जरा भी इधर उधर होता है तो जानते ही हो क्या? दो पति एक साथ रह सकते हैं नहीं ना? ना लेकिन मेरी मम्मी रखी हुई है तो इसी बात से समझ लो कि तुम्हारा पापा का क्या हश्र होने वाला है। चिंता नहीं करू, अहाँ के पापा ठीक भ जाए। खाओ सारू भाई। हाँ। लिया खाओ। न जाने भगवान अंदर में की होत होते। मिले गुलखिले और जीने को क्या चाहिए, तू मिले गुल खिले और जीने को क्या चाहिए। सारू यो सारू भाई बुझा। यो सारू भाई बेटी दामाद एतना पढ़ाए और बड़ बुजुर्ग वहाँ पर मीटिंग कर रहा है, बातें बातें कर रहा है। अहाँ कथी झाँके देखे ये देखे चले की बाजे छे की अति मीटिंग कर छे से जैसे तुम उदास मेरे पास पास रहूंगी जिंदगी भर। तुम मिले गुल खिले और जीने को क्या चाहिए, तुम मिले गुल खिले और जीने को क्या चाहिए। जैसे तुम उदास मेरे पास पास रहोगे जिंदगी भर। डार्लिंग क्या हुआ? कितना देर हो गया तुम्हारे मम्मी हमारे पापा के अंदर ले गए, अब क्या हो रहा है? बात नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बजाइए ना अपनी मम्मी को, बजाइए ना यहाँ पे। बजाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ गया हूँ आपके पास। देखिए बाबुआ। हाँ बाबू। अब दोनों श्या बहु निफिकिर भा कर जाकर आराम कर घर में, जो मतलब जो जा सके छी। हाँ सबका बातचीत भ चुकल है। जाइए बेटा। पापा जी प्रणाम। जा खुश रहो, सब चीज भ गेल है। जा हाँ सब चीज भ गेल बाबू। हाँ उ जे कपड़ा सबके अथी मोटा है कन ओकरा अंदर कर दिया, हम जाई छी उधर बा दे छी ना। जो धराम कर के भाई लगा ली है। आइए डार्लिंग आइए आइए। जो हमरा सबके तुक में तुक मिल गेले।
प्रिय। हाँ जान, आइए हम लोग आराम करते हैं। चलिए ना। आइए सो जाइए, सो जाइए। सारू भाई, हाँ। बेटी दामाद अंदर गिरे, कनिया अपन देखियो अंकल जी के लगे चल गए, पूछे छे। सुनो, हम सब कत्ता जबे? क्या मेरा सोने नहीं देता है? सुनिए, आप चले जाइए दोनों आदमी अपने घर, ठीक है? क्योंकि आपके लिए खाना भी बना करके मैं आई हूँ। रोटी बना के डगरा में कोठी पर रख दिया, चकला लेके झापल है। खाना कौन देगा? अरे बाबा, दूध है फ्रिज में। दोनों आदमी बाटी में लेकर के धर दीजिएगा, रोटी है, दोनों आदमी खा लीजिएगा। बेचारा का कोई देखने वाला नहीं है ना, अकेले है तो इनका जो है सो एक घूरा लगाएगा और हम मच्छर होकेंगे। जाइए सारू भाई, सुहाग रात के रस्म चालू होगा। गेट बंद कीजिए पहले। निकलिए निकलिए, मारेंगे चोटिया देंगे सीधा। हम चोटी पकड़ता है, चलिए चलिए। दोनों फैल से सूती अपना दोनों आदमी। हाँ बुझिए, बीच में स्टॉप जो है करने के लिए आ जाता है। कहाँ गए वो दिन रहते थे उनके गलियों में, नजरों से हम खो दिए अपने ही बहू